मिशन टाइटैनिक पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड का बयान सामने आया है। ऑक्सीजन डेडलाइन की वजह से बहुत मुश्किल होने वाला है ये ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम के पास तय समय सीमा पता लगने पर ऑपरेशन में चुनौती होगी, ये वो मान रहे हैं। सतह पर लाने में भी लगेगा काफी वक्त। तो ये सारी स्थिति है सिंह सर, मैं उसी बात पे लौट रहा हूं। एक तरफ तो टाइम लिमिट है और दूसरी तरफ जो बात सरदाना सर कह रहे थे उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दिखाई दे रही है? क्या ऐसी सिचुएशन से भी डील करने का कोई रेस्क्यू प्लान होता है? देखिए, मैं मेरे को अभी ये एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब मदरशिप ऑपरेटेड ये सारा सबमर्सिबल था तो सबमर्सिबल टेदर्ड क्यों नहीं था मदरशिप से? यानी कि जब आपको नॉन लोकेशन पे जाना है तो आप अपने टेदर को पे आउट करिए, एक रस्सी को पे आउट करिए और आपका सबमर्सिबल जो है आपके साइट पे जाएगा, और ताकि उसको एक सेफ्टी बैकअप भी रहेगा। ऐसा कुछ अगर सिचुएशन आता है तो मदरशिप ऑलवेज आपको सबमर्सिबल को वापस विड्रॉ कर सकती है, उसको हीवन कर सकती है। ये कहीं ना कहीं सेफ्टी में काफ़ी बड़ा लैप्स लग रहा है मुझे कि ये नहीं हो पाए, जिसके कारण आज ये हमें देखना पड़ रहे हैं हालात जी। किंतु जैसे इन्होंने कहा कि उसका ढांचा मिलना या उसमें इम्प्लोजन हो जाना बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर, और कार्बन की बनी थी, टाइटन की बनी थी, लाइट वेट रहे, डीपर डेप्थ्स में जाए, तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा तो था कि वो लाइट वेट थी, ज़्यादा जा सकती थी। लेकिन ये नुकसान सिग्नेचर का जो सरदाना साहब ने बताया, यस इट इज़ अ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो रहा है उसको लोकेट करने में। बिल्कुल बिल्कुल, बिजलवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिजलवान साहब, मुझे पता है मैं बहुत नेगेटिव साउंड कर रहा हूं इस वक्त, लेकिन फिर भी क्या आशंका इस बात की भी है कि इस समरसेबल के बारे में पता चल पाए और लोकेशन उसकी हम जान जाएं फिर भी उसे बचाया ना जा सके? देखिए, अभी जो आप कह रहे हैं वो मुझे लगता है अगर उसकी लोकेशन मिल जाती है तो बचाना संभव होगा, क्योंकि जो अभी जो रिसोर्सेज जो वहाँ पे अभी प्रेस ऑन किए जा रहे हैं, जैसे कि फ्रेंच रिसर्च वेसल वहाँ पहुँच गया है अटलांटे, उसके पास एक यूयूवी है जो कि अंदर जा सकता है, करीबन 5 किलोमीटर नीचे तक जा सकता है। यूएस कोस्ट गार्ड का भी एक इसी तरह का एक ड्रोन है, अंडर वाटर ड्रोन है, जो कि 4 किलोमीटर तक जा सकता है, और ये दोनों सर्विस में प्रेस कर दिए गए हैं। और आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूँ कि साउथ चाइना सी में इसका जो यूएस कोस्ट गार्ड वाला जो इनका ड्रोन है उसको यूज करके इन्होंने एक फाइटर एयरक्राफ्ट को बाहर निकाला था विंच आउट करके। अच्छा। तो यदि हमको इसकी लोकेशन मिल जाती है, जो कि बहुत मुश्किल है, जैसा कमांडर सरदाना बोल रहे थे कि एक सबमर्सिबल को इतने बड़े समुद्र के अंदर ढूंढना एक ना सिर्फ एक भूसे के ढेर में बल्कि एक भूसे के पहाड़ में सुई को ढूंढने के बराबर एक लगता है। ठीक है, तो चुनौतियों से भरा ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जाहिर है, और चुनौतियां बहुत बड़ी नजर आ रही हैं। फिलहाल तो यूएस नेवी के सबमरीन कमांडर का